जी सर, वोट करता है। जैसे आपने नाथलाल में एक टेस्ट ऑपरेटर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहां पर एफ बराबर सिग्मा प्लस जे होगा। एस ऑपरेटर जो होता है वो होता है सिग्मा प्लस जे होगा, ये इसका रियल पार्ट है। क्या सर ये सिर्फ ओनली एस दिख रहा है सर, सर कह कह रहा हूँ ओनली एस दिख रहा है सर। हाँ रहा, ब्लड दिख रहा है, ओनली एस और इक्वल दिख रहा है, इसके बाद में क्या आपने लिख लिया सर, दिख नहीं रहा है सर, सिग्मा प्लस जे ओमेगा लिखा दिखाई नहीं दे रहा सर। थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा इस साइड में कर देंगे, राइट साइड में सर, कैमरा। कैमरा थोड़ा राइट साइड में कर देंगे तो आ जाएगा, अब दिख रहा और थोड़ा सा कर देते थे। जी 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 है, ओके 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 सर, एस बराबर सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो ये होगा इसका रियल पार्ट होता और ये इमेजिनरी। ओके सर। ये यहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी समझनी है। आपने किसी ये करंट या वोल्टेज का इन पावर जे ओमेगा की इस तरह का एक्सप्रेशन देखा हो, ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट होते हैं। एस बराबर इसमें आना कितने में तो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, और इसमें सिग्मा प्लस जे ओमेगा में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, यही आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बता रही है, ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट होता है, यही आपका कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी बताता है जो, और इसमें इस वाले पार्ट को नेवियर बोलते हैं, तो इसको रेडियल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो एक्सपोनेंशियल राइज होगा आपके एक्सप्रेशन में, और अगर ये नेगेटिव होगा तो इसमें एक्सपोनेंशियल नेगेटिव, वही सेम चीज इसके साथ भी होती है। और यहाँ पर ग्राफ का जो है, मैंने आपको जो क्लासरूम में टेस्ट कर दिया है कि ग्राफ कैसे बनता है, यही कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को या एस ऑपरेटर को जो आपका सर्किट्स है उसमें देखेंगे कि सर्किट्स में कैसे सॉल्व करते हैं, कि आर सर्किट कैसा है, सी सर्किट कैसा है, एल सर्किट कैसा है। तो एक मिनट, ये देखिए, ये मैंने डाल रखा था इसमें, ये इस तरह, ये कांस्टेंट के लिए है, ये एक्सपोनेंशियली राइज होता है, ये एक्सपोनेंशियली डिके होता है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब इस लाप्लास ऑपरेटर को हेल्प करते हुए हम वेरियस आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम आर सर्किट देखते हैं, ठीक है, तो आर सर्किट का एक्सप्रेशन ये है, ये दिख रहा है बेटा, जी सर बहुत थोड़ा दिख रहा है जी थोड़ा बड़ा कर दे, जी जी ठीक है, सर, देखो इसको थोड़ा सा बेटा और कैसे। जूम, सर इसको थोड़ा सा और जूम कर दीजिए सर, तो जी ऐसे थोड़ा सा और, जी सर आया था थोड़ा सा आया था आपको, अब ठीक जी है, देखो ओके ओके अभी ओके बेटा, देखो ट्रांसफॉर्म इम्पीडेंस, अब ये तुम्हें पता होगा वी इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, तो किसी भी रेजिस्टेंस में आई आर थी टाइम, ये टाइम डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर ये जो एस डोमेन होगी वो लाप्लास डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब ये वी आर एस बराबर सिंपली आर इंटू आई आर एस हो जाएगा, मतलब टाइम डोमेन का सीधे सीधे इसमें रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और जो इसका इंपिडेंस होता है वो क्या होगा, वी आर एस अपॉन आई आर एस, और एडमिटेंस जो होगा वो होगा आई आर एस अपॉन वी आर एस। ये तुमने पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, तो ज्यादा उसमें बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है, और यही जी इज इक्वल टू वन अपॉन आर हो जाता है, ठीक है।
और ये रेजिस्टेंस सर्किट के लिए। इसी तरह अभी हम एल सर्किट और सी सर्किट का देख लेते हैं। एल सर्किट का ये उसका देखिए फिगर है, ये जो आर सर्किट का फिगर है, ये एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, इन दोनों नोड के क्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो आई आर टी इधर जा रहा है और जो उसका एस डोमेन में इसका ट्रांसफॉर्म जो होगा, ये देखिए रजिस्टर इन टाइम डोमेन और ये उसका ट्रांसफॉर्म होगा रजिस्टर का, तो ये एक रजिस्टर बना हुआ है, ठीक है, ये वी आर एस ये दोनों नोड बने हुए हैं, ये आई आर एस हो जाएगा जो करंट होगी वो एस डोमेन में और ये इंपिडेंस एस डोमेन। अब हम इंडक्टेंस का देखते हैं, ठीक है, इस फिगर को देख भूल जाइए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान दीजिए, जो इंडक्टेंस होता है उसमें वी एल टी इज इक्वल टू लिखा जाता है एल डी आई बाई टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज को, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो ये इंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है, तो वी एल टी इज इक्वल टू होगा एल डी आई एल टी बाई डी टी। इसका फिगर अभी हम आगे दिखाएंगे लेकिन इस एक्सप्रेशन को आप याद रखिए, यहां से अगर करंट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, आई एल टी इज इक्वल टू ये वन अपॉन एल माइनस इनफिनिटी से टी वी एल टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, इस 8.22 वाली इक्वेशन का, ये हो जाएगा वी एल एस बराबर एल, ठीक है, ये एल लगा ही हुआ है और डी आई डी आई एल टी बाई डी टी का जब ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो हो जाएगा क्या, ये डिफरेंशियल का जब लेते हैं तो लाप्लास की प्रॉपर्टी होती है वो हो जाएगा आपका एस आई एल एस माइनस आई एल जीरो प्लस, ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन लिख के बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने इसको एक्सप्रेशन को खोला तो ये देखो आ गया एल एस आई एल एस बराबर ये VLS और ये माइनस साइन वाला हम उठा के इधर ले गए तो प्लस L IL 0 प्लस, ये IL 0 प्लस का मतलब है कि इनिशियली अगर इंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा हो वो इसकी वैल्यू। अब इन्होंने ये जो LS ILS इस टर्म को V1S मान लिया है, ठीक है, तो V1S इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा VLS प्लस L टाइम्स IL 0 प्लस, तो आपका V1S बराबर अगर इस करंट को हम जीरो कर देते हैं तो ये V1S बराबर आपका LS ILS, ठीक है, मतलब ये यही बताते हैं। तो अब यहां पर जो इंपिडेंस होगा वो तुम्हारा होगा V1S अपॉन ILS, तो जब आप V1S ये टर्म है इसमें ILS से डिवाइड करोगे केवल LS बचेगा तो वो दिखा दिया गया, ठीक है, तो उसमें सिंपली देखो R आ रहा था, रेजिस्टेंस वाले में सिंपली आर आ जाता है और इंडक्टेंस वाले में जो है आपका एक एल ऑपरेटर आ जाता है वो एल एस, ठीक है, तो जेड एल एस बराबर आपका हो जाएगा बी बी वन एस ऑन एल एस बराबर एल एस। अब इसके दूसरा अब इसका फिगर और इसका और रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, एल सर्किट टू आप देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ये जो आई एल एस बराबर हो जाएगा ये वन अपॉन उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है ये वन अपॉन एल इस तरह करके आ जाएगा, लेकिन समझने वाली बात है वो है ये फिगर, ठीक है, कि देखिए अगर आपका कोई एल सर्किट है और उसमें इस तरीके से दिया हुआ इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एल टी डेवलप कर रहा, ठीक है, और इसमें आई एल जीरो प्लस इनिशियली करंट फ्लो हो रही, मतलब इनिशियली करंट मौजूद है, इनिशियल करंट मौजूद है, इनिशियल करंट कितनी वैल्यू है ये जीरो प्लस यही होता है और इससे आई एल टी ये करंट फ्लो हो रही है इस वोल्टेज सोर्स की वजह से, तो इसका ट्रांसफॉर्म जो होगा एस डोमेन में वो कुछ इस तरीके से होगा, इसका वी वन एस हो जाएगा, ठीक है, इसका आई वन एस हो जाएगा और ये जो इसका इस पूरे इंडक्टर को हम इस तरह से तोड़ के रख सकते हैं, एक जेड जेड इसका इंपिडेंस जिसकी वैल्यू एल एस होगी
और एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे विद आ अपोजिट पोलैरिटी, और उस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी एल डॉट आई एल जीरो। ठीक है, इस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। ये आपका इंडक्टर विद इनिशियल करंट आई एल जीरो प्लस, ठीक है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये ऐसे है। बाकी ये देखिए, इस फिगर को समझ लीजिए अच्छे से और ये एक्सप्रेशन देख लीजिए दो मिनट और। इसमें किसी को कोई समस्या आ रही है तो पूछ ले। किसी कोई समस्या मुकेश गौतम? जी इस इंडक्टर वाले सर्किट में इसका ट्रांसफॉर्म एस डोमेन में ऐसे हो रहा है, इसमें कोई समस्या? जी सर, ये थोड़ा सा ओवर एक्टिव उसमें कुछ दिखा हुआ है। ये जी सर, ये बेटा ये आपको यही तो समझना है, ये जो इंडक्टर है इसमें इनिशियल करंट आई एल जीरो प्लस था, ये जो फिगर बना हुआ है वो टाइम डोमेन का बना हुआ है। जब इस टाइम डोमेन को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एस डोमेन में, ठीक है, तो वो जो ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका ऐसे हो जाता है कि इसको हम इस पूरे इंडक्टर को हम मान लेते हैं एक इंपेडेंस, इसकी वैल्यू एल एस है, और एक वोल्टेज सोर्स विद अपोजिट पोलैरिटी। इस बी देखो वीएलटी का वीएलएस हो गया, इसका भी एस डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जो इसका इंपेडेंस होता है वो ये ध्यान रखना वो एलएस होता है। जैसे कि आर सर्किट का जो इंपेडेंस होता है वो सिंपली आर होता है, किसी एस ऑपरेटर का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ठीक है। तो इसका लाप्लास लिया गया है ये जो सर्कल में है, क्या कह रहे हो बेटा? ये जो सर्कल में है इसका लाप्लास लिया गया, इसका इसका लाप्लास ये बेटा ये वैल्यू होगी आई एल जीरो प्लस की जो कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर इनिशियल करंट दी होगी, समझ रहे हो? ओके, वो इसमें एस ऑपरेटर से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, इनिशियल कंडीशन है ना, तो इसमें क्या होगा उस वैल्यू का जितने का इंडक्टर लगा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना और ये मान लिया जाएगा कितना वोल्टेज सोर्स अपीयर होगा यहाँ। ओके, समझ तो ये इसकी यही प्रॉपर्टी होती है, यही इसकी एनालिसिस है, ठीक है बेटा? ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं सी सर्किट के बारे में, ठीक है। ये बेटा अब ये एनालिसिस है, ये आपकी सी सर्किट कैपेसिटेंस की है। देखो जो आपका इंडक्टर होता है वो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, ठीक है। देखो ये दिखा दी हुआ है यहाँ पे इंडक्टर वाला, इसका जो इंपेडेंस होता है वो एल एस होता है, इस बात को ध्यान रखना, और एडमिटेंस होगा वो वन अपॉन एल एस हो जाएगा। तो ये इंडक्टर की हम लोगों ने एनालिसिस देख ली, अब हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर में जैसे उसमें वोल्टेज को डिफाइन करते हैं इंडक्टर में, यहाँ पर हम जो इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होता है वो तो कुछ इस तरीके का होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो एक कैपेसिटेंस सी आर,
ओके, तो आई सी टी इज इक्वल टू होता है सी डॉट डी वी सी टी बाई डी टी, ठीक है। अब यहां से अगर हम वोल्टेज का एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम वी सी टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी से टी आई सी टी डी टी, ठीक है। अब ओके क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए गौतम? नहीं सर। ओके गौतम प्रेजेंट हो? गौतम आवाज नहीं आ रही है? तो हाँ हेलो, हाँ बेटा सुन रहा है आवाज आ रही है? गौतम तुमको नहीं आ रही कि मुकेश तुमको आ रही है? इतना आ रही है। तो गौतम फिर तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम है ना, तो खैर चलो आगे देखते हैं। ये दोनों एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गए कैसे लिखे हुए, वी सी टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी माइनस इंफिनिटी से टी आई सी टी डी टी, ठीक है। कुछ नहीं सिंपली ये जो डिफरेंशिएशन था उसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है और ये वोल्टेज वाला टर्म हमने ऐसे लिख लिया। अब इस इक्वेशन को 8.38 इक्वेशन को हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी सी इसका एस हो जाएगा, ये टाइम डोमेन से एस डोमेन में चेंज हो गया, वन अपॉन सी है। और जब इंटीग्रेशन का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई सी एस अपॉन एस प्लस क्यू जीरो प्लस अपॉन एक्स, जैसे कि उसमें डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी लगी थी माइनस उसका इनिशियल कंडीशन कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे हम प्लस उसका इनिशियल कंडीशन करेंगे और डिनोमिनेटर में यहाँ पर एस आएगा, जैसे कि वहां पर एस ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पर एस ऑपरेटर डिनोमिनेटर में आ गया है, ठीक है। अब ये जो टर्म है एक मिनट हाँ ये सब ये लिमिट ली गई है माइनस इनफिनिटी टू ये सब हाँ। एक टाइम के अकॉर्डिंग है नहीं, ये टाइम के अकॉर्डिंग माइनस इनफिनिटी हमको नहीं मालूम कि वो कैपेसिटर कब से पड़ा हुआ है, हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट तक वो वी वोल्टेज तक चार्ज हो गया है, तो जिस वोल्टेज वी वोल्टेज तक चार्ज हो गया है समझ लो बात को, वो टाइम हम लिख रहे हैं, ये जो t लिखा हुआ है ना इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो जिस वोल्टेज dc को अचीव कर लेता है ये वो टाइम है। और ये कंडीशन जो बता रही है कि अगर उस कैपेसिटर में जो इनिशियल आई एक हम कोई मेथड होगा जिससे चार्ज कर रहे होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो कैपेसिटर उस मेथड की बजाय पहले से ही उसमें थोड़ा सा चार्ज हो, समझ लो बात। तो अगर पहले से कुछ चार्ज है तो ये जो अमाउंट है Q0 प्लस ये उसको बता रहा है, ठीक है। तो ये जो Q0 प्लस अपॉन ये लिखा हुआ है C ये यही बता रहा है BC प्लस, ये सर ये ब्रैकेट में 0 प्लस लिखना सर जरूरी है सर, इसे क्या कर दिया? ये 0 प्लस मतलब इसकी इनिशियल कंडीशन बता रहा है, ये वो इतना बता रहा है कि उस समय इतना चार्ज BC 0 प्लस पहले से ही मौजूद, तो हमें जो मेहनत करनी पड़ेगी वो कितनी कम करनी पड़ेगी, इसीलिए देखो इसमें इसको माइनस किया जा रहा है, समझ लो बात। हाँ इसी को देखो ये लिखा भी हुआ इनिशियल वोल्टेज BC 0 प्लस, ठीक है। अब सर ये सर लेफ्ट साइड का सर पूरा नहीं दिख रहा है, लेफ्ट इस साइड नहीं, जितना दिख रहा है उतना सफिशिएंट है, मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिखे हुए हैं, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ भाई। ये देखो ये आपका VCS बराबर ये कितना लिख दिया आई, यहाँ पर अगर इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा ICS अपॉन CS से मल्टीप्लाई होगा, ये इतना लिखा हुआ है, ठीक है। और ये चीज तो VCS यही लिखी हुई है, और जो इतना टर्म है उसको इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वो माइनस बी सी जीरो प्लस अपॉन एस लिखा हुआ,
भाई इस इक्वेशन को तुम समझ गए होगे, ठीक है, और इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गई है, कैसे आ गई है, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है। अब इतने में कोई समस्या, आगे चले? जी बिल्कुल, ये इसका सी सर्टिफिकेट का दूसरा है, अब देखो, अब इसीलिए इस तरह ये लिख के आ गया कि लेट इसको VCS माइनस VC0 प्लस अपॉन S को इन्होंने V1S मान ली, तो अब V1S को डिफाइन कर दिया 1 अपॉन CS ICS, तो इसका जो इंपीडेंस होगा वो V1S अपॉन ICS होगा, जब इसको करोगे तो वो 1 अपॉन CS के बराबर आ जाएगा। ध्यान रखना C सर्किट में इंपीडेंस 1 अपॉन CS आता है, L सर्किट में इंपीडेंस LS आता है, और R सर्किट में सिंपली R ही रहता है, कोई ऑपरेटर का मॉडिफिकेशन उसमें नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है। इतना देख लो फिर मैं बात करता हूं आपसे। हाँ ठीक है मुकेश जी सर, ये समझ में आ गया? जी जी अब ये जो है इसका इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका एडमिटेंस हम 1/CS, और इसमें देखिए पोलैरिटी प्लस इधर रहेगी माइनस इधर रहेगी, और
जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो बी सी जीरो प्लस अपॉन एस, ठीक है। ओके हाँ यही है आज, ठीक है फिर आज के लिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसमें एक आरएनसी सर्किट होगा उसकी एनालिसिस एक साथ कर लेंगे। आज इन्हीं दिनों में आप पढ़िएगा और इसको मटेरियल पड़ा हुआ है इसको वहां से आप देख ही सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके ओके हाँ ठीक है, ओके थैंक यू।